morning all of you. I am going to teach English literature of class 3. Come to my topic, Lizzie's Tale. Lizzie's Tale. यानी लिजार्ड की पूछ के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पिछले क्लास में इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करवाने जा रही हूँ. पिछले क्लास में वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुका है. आज मैं उसके आगे एक्सरसाइज सॉल्व करवाने जा रही हूँ. लिसन मी केयरफुली प्लीज. ओपन योर नोटबुक. एक्सरसाइज EXERCISE. एक्सरसाइज में पेज नंबर आपका 12. पेज नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर ए में क्वेश्चन आंसर लिखना था, उसको मैं लिखवा चुकी हूँ. आज क्वेश्चन नंबर बी है चूज द करेक्ट ऑप्शन. जो सही ऑप्शन है उसको चूज करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर बी का वन. बी का वन है लीजी लिजार्ड हैड LIZZY. लीजी LIZARD. लीजी लिजार्ड हैड HAD हैड. और ब्लैंक्स है. ऑप्शन नंबर ए में है एन अगली टेल. बी में है अ ब्यूटीफुल टेल. और सी में है अ डस्टी टेल. तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे लीजी लिजार्ड टेल के बारे में. तो उसमें आप लोग क्या पढ़े थे कि लीजी लिजार्ड की पूछ कैसी थी? ब्यूटीफुल टेल, यानी सुंदर पूछ थी. तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें भर देंगे अ ब्यूटीफुल टेल, या उसको टिक लगा देंगे बी में अ ब्यूटीफुल टेल. यानी लीजी लिजार्ड के पास क्या थी? सुंदर पूछ थी. लीजी लिजार्ड के पास कैसा पूछ थी? सुंदर पूछ थी. लीजी लिजार्ड हैड अ ब्यूटीफुल टेल. लीजी लिजार्ड के पास सुंदर पूछ थी. क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी लीजी लिजार्ड फेल्ड. बी नहीं, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर बी का वन हो गया. अब क्वेश्चन नंबर टू में है लीजी लिजार्ड फेल्ड LIZZY. लीजी LIZARD. लीजी लिजार्ड फेल्ड. लीजी लिजार्ड को क्या होता है? ऑप्शन है सॉफ्ट एंड फ्राइटेंड, सॉफ्ट एंड सैड, सॉफ्ट एंड वरीड. तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि लीजी लिजार्ड फेल्ड सॉफ्ट एंड फ्राइटेंड. लीजी लिजार्ड को गहरा सदमा लगा और वह क्या हो जाती है? डर जाती है, फ्राइटेंड हो जाती है. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट एंड फ्राइटेंड. सॉफ्ट एंड सैड है बी ऑप्शन में और सॉफ्ट एंड वरीड है. तो तीनों में सॉफ्ट मिल रहा है लेकिन इधर फ्राइटेंड, सैड, वरीड. तो यहाँ पे आपको कहानी में आप लोग पढ़े हैं कि लीजी लिजार्ड को गहरा सदमा लगा और वह डर गई. न उदास होती है न चिंतित होती है, क्या होती है? वह फ्राइटेंड हो जाती है, डर जाती है. तो क्वेश्चन नंबर टू का ए ऑप्शन सही होगा सॉफ्ट एंड फ्राइटेंड. SHOCKED. सॉफ्ट ANDED एंड FRIGHTENED. सॉफ्ट एंड फ्राइटेंड. सॉफ्ट एंड फ्राइटेंड यह आपका क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है. अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री.
पहले ही ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर थ्री में पहले ब्लैंक्स है। केम एंड ब्लीव द टेल अवे, केम सी ए एम ई, केम एंड ब्लीव द टेल अवे, बी एल ई डब्ल्यू, ब्लीव केम एंड ब्लीव द, ब्लीव द टेल अवे। लीजी लिजार्ड की पूछ
शरीर से अलग हो जाता है तो उसको क्या होता है, गहरा सदमा लगता है और वह डर जाती है, शॉक एंड फ्राइटेंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या आती है और उसकी पूछ को बाहर ले जाती है, तो एक जबरदस्त जोड़ों की हवा आती है और उसकी पूछ को बहा ले गई, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड। क्वेश्चन नंबर 4 लीजी लिजार्ड्स ओल्ड टेल, माने लीजी लिजार्ड्स की जो पुरानी पूछ थी वह ड्राई एंड डस्टी हो गया था, वह सूखा और धूलिपूर्ण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 द फ्रॉग सेड, मेंढक ने कहा, क्या कहा कि छिपकली एक विचित्र जानवर, छिपकली जो थी वह विचित्र जानवर था। तो ये आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू फॉल्स को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तब तक मैं बोर्ड को क्लियर कर रही हूँ। हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या कर रहा है, राइट इफ दिस सेंटेंसेस, ये आपका पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर सी, राइट इफ दिस सेंटेंसेस आर ट्रू टी और फॉल्स एफ, यानी ये सेंटेंस जो है सही है उसके सामने हम टी लिखेंगे और जो सेंटेंस गलत है उसके सामने एफ लिखेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सी का वन कह रहा है लीजी लिजार्ड। क्वेश्चन नंबर सी का वन देखिए, लीजी लिजार्ड LIZARD लीजी लिजार्ड लिव्ड बिटवीन LIVED लिव्ड बिटवीन BETWEEN लीजी लिजार्ड लिव्ड बिटवीन सम ब्रिक्स SOME सम ब्रिक्स BRICKS। अब फुल स्टॉप। अब इसके सामने यदि सही होगा तो हम टी लिखेंगे, यदि फॉल्स होगा तो एफ लिखेंगे। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं, लीजी लिजार्ड्स लिव्ड बिटवीन सम ब्रिक्स, यानी लीजी लिजार्ड जो है लीजी लिजार्ड की नामक छिपकली है वह सम ब्रिक्स यानी कुछ ईंटों के बीच में रहती थी। तो यह आपका बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि लीजी लिजार्ड वह सम रॉक्स यानी कुछ चट्टानों के बीच में रहती थी, कुछ पत्थरों के बीच में रहती थी। तो यह आपका रॉन्ग है सेंटेंस, इसलिए हम इसके सामने एफ लिख दिए। क्या लिख दिए, एफ लिख दिए। फॉल्स के सामने, फॉल्स जो सेंटेंस है उसके सामने हम एफ लिखेंगे। अब सेकेंड है क्वेश्चन नंबर टू लीजी लिजार्ड लाइट लीजी LIZZY लीजी LIZARD लीजी लिजार्ड लाइक टू स्लीप लाइक LIKED लाइक टू स्लीप लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम। लीजी लिजार्ड लाइक्ड टू स्लीप इन द डे टाइम, यानी यह सेंटेंस क्या कह रहा है कि लीजी लिजार्ड दिन के समय में सोना पसंद करती थी। क्या पसंद करती थी, सोना पसंद करती थी। तो यही सेंटेंस आपका रॉन्ग है क्योंकि लीजी लिजार्ड दिन के समय में चुपचाप लेटती थी और धूप सेका करती थी, ना कि सोती थी। अक्सर उसको नींद आ जाती थी लेकिन वह
सोना पसंद नहीं करती थी, वह धूप सेकना पसंद करती थी। इसलिए यह भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है और इसके सामने हमने एक लिख दिया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है देखते हैं। लीजी लिजार्ड वाज असेम्ड ऑफ हर टेल। लीजी लिजार्ड, लीजी लिजार्ड वाज असेम्ड, A-S-H-A-M-E-D, असेम्ड। लीजी लिजार्ड वाज असेम्ड ऑफ हर टेल, ऑफ हर, H-E-R, हर टेल। अब देखते हैं यह सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। लीजी लिजार्ड वाज असेम्ड ऑफ हर टेल। लीजी लिजार्ड अपने पूंछ पे क्या करती थी? शर्मिंदगी महसूस करती थी। नहीं ना, वह तो गर्व करती थी, अपने पूंछ पे घमंड करती थी। इसलिए असेम्ड मींस शर्मिंदगी। इसलिए यह भी सेंटेंस आपका रॉन्ग ही है और इसके सामने भी हम ए भी लिखेंगे। लीजी लिजार्ड को अपने पूंछ पे घमंड था, ना कि वह शर्मिंदगी महसूस करती थी। यह तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस दिया हुआ है, इसलिए यह भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लीजी लिजार्ड वांटेड टू। लीजी लिजार्ड LIZZY, लीजी लिजार्ड LIZZARD, लीजी लिजार्ड, लीजी लिजार्ड वांटेड टू अटैच, WANTED, वांटेड टू अटैच, ATTACH, अटैच हर टेल, अटैच हर टेल, अटैच हर टेल टू हर हेड, टू H-E-R, हर हेड। टू हर हेड, H-E-A-D, हेड। अब इसके बारे में समझते हैं। लीजी लिजार्ड वांटेड टू अटैच। लीजी लिजार्ड अटैच करना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? अपने पूंछ को अटैच करना चाहती थी कहां? ऑफ हर हेड, यानी सर के पास, अपने हेड के पास। तो अपने वह पुनः अपने सही जगह पर अटैच करना चाहती थी, इसलिए यह सेंटेंस भी रॉन्ग ही है। इसलिए इसके नीचे भी हमने सामने एफ लिख दिए, क्योंकि ये स्टोरी में आपका है कि लीजी लिजार्ड, लीजी लिजार्ड शी वांटेड टू पुट इट बैक इन इट्स राइट प्लेस, यानी वो अपने सही जगह पे अपने पूंछ को अटैच करना चाहती थी। और इसमें आपका इस सेंटेंस में आपका कह रहा है कि वह अपने सर के पास अपने पूंछ को अटैच करना चाहती थी, इसलिए यह सेंटेंस भी रॉन्ग है। अब सेंटेंस नंबर 5, द फ्रॉग मेड द FROG, फ्रॉग मेड, MADE, मेड, द फ्रॉग मेड, फ्रॉग मेड फन ऑफ द लिजार्ड, फन ऑफ द लिजार्ड। मेंढक ने छिपकली का क्या फन बनाया, मजाक बनाया, तो यह तो बिल्कुल सही है, इसलिए इसके सामने हम टी लिखेंगे। मेढक छिपकली का मजाक बनाया, फन किया, क्योंकि कि तुम कैसे विचित्र जानवर हो, तो यह फन करता है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। तो इसके सामने हमने टी लिख दिया। एफ मीन्स फॉल्स और टी मीन्स ट्रू, तो यह सेंटेंस ट्रू है। आज अभी पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर बी
गया। अब ओपन योर बुक पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में ड्रा अ लाइन टू मैच द नाउंस विद द प्रोनाउंस। एक तरफ नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ प्रोनाउन दिया हुआ है, उसको मैच करना है। तो उसको हम मैच करेंगे। किस तरह से मैच करते हैं आइए देखते हैं। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर बी ग्रामर का क्वेश्चन है। पेज नंबर 14 में ग्रामर का क्वेश्चन नंबर बी, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोटबुक पर नोट कर लेंगे। अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ बोर्ड को। अब एक्सरसाइज में ग्रामर है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर बी, ड्रा ए लाइन टू मैच द नाउंस विथ द प्रोनाउंस। यहाँ पे एक तरफ नाम दिया हुआ है मीना, फिर है चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, उसके बाद मदर एंड फादर, MOTHER, मदर, ANDY, एंड ATHER, फादर, मदर एंड फादर। अ पेंसिल, अ पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। उसके बाद है यू एंड आई, यू एंड आई। फिर है रोहन, रोहन। अब दूसरी तरफ आपका प्रोनाम दिया है, दिया गया है, उसी में से चूज करके आपको लिखना है। तो मीना, मीना एक लड़की का नाम है। तो मीना क्या है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए मीना गर्ल के लिए क्या आएगा, क्या होगा प्रोनाम, देखिए इधर दिया हुआ है मीना के लिए शी, सी प्रोनाउन है। मीना मीन मीना एक गर्ल है, वह फेमिनिन जेंडर है, इसलिए उसके लिए नाउन के बदले प्रोनाउन सी आता है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, तो चिल्ड्रेन का दे, बच्चे में इसका प्रोनाउन दे होगा, चिल्ड्रेन का प्रोनाउन दे में हम लगा दिए। उसके मदर एंड फादर, मदर एंड फादर, माता और पिता, तो इसके लिए भी प्रोनाउन क्या होगा, दे ही होगा, क्या होगा, दे होगा। अब आ पेंसिल, आ पेंसिल, क्योंकि यह एक क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, तो इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं, ITE। यू एंड आई, तुम और मैं, तुम और मैं, और वह, तुम, यू एंड आई, तुम एंड मैं और हम लोग, वी। रोहन, रोहन बॉय का नाम है, इसलिए रोहन के बदले में प्रोनाउन क्या होगा, ही। रोहन के बदले में प्रोनाउन, नाम के बदले में प्रोनाउन, रोहन के जगह पे रोहन एक मैस्कुलिन जेंडर है, यह बॉयज का नाम है, तो बॉय के बदले में प्रोनाउन ही होता है। तो आज हम लोग नाम और प्रोनाउन के बारे में समझ लिए, यह भी एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।